जिला प्रशासन की बगैर अनुमति के जब भगवाधारी लोग जुलूस निकाल रहे थे और उसके बाद मुस्लिम मोहल्ला में जाके मुस्लिम आबादी के बीच में ये नारा लगाएं कि मुसलमान का ये दो स्थान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, तो कोई आदमी इसको सुन नहीं सकता है। और जहाँ तिरंगा झंडा लगा हुआ था 26 जनवरी की को लगाया गया था मुस्लिम्स ने जिस जगह पे, वहाँ वो हिंदू वाहिनी का झंडा लगाना चाहते थे जबरन। उस स्थिति में तू-तू मैं-मैं हुई और आपने सारे लोगों का वीडियो देखा होगा, वायरल हुआ होगा कि गोली चली वो हिंदू ही था और आरोप लगा दिया गया मुसलमानों पे। तो इतना अगर गलत होगा तो हम लोग क्या अपना मुंह बंद इसलिए किए रहेंगे कि कुछ लोग नाराज हो जाएंगे तो मुंह न खोलें? ये हम लोगों ने कभी सीखा ही नहीं। मुसलमानों के साथ ज़बरदस्त ज्यादती की जा रही है और आपने देखा नहीं कल एक दिन में 22 एनकाउंटर हुए पूरे उत्तर प्रदेश में। अब एनकाउंटर हुआ, लड़का जा रहा था वहाँ से, जिम ट्रेनर था, एक केस किसी के खिलाफ नहीं और गोलियां मारी जा रही हैं और मुख्यमंत्री कह रहा है ठोंक देंगे। कोई दुनिया का कोई भी हेड ऑफ स्टेट या कोई राज्य का मुख्यमंत्री इतनी गंदी भाषा का प्रयोग कर सकता है? एक वादा पूरा कर नहीं पाया। अब ये केवल इस देश की जनता को कम्युनल लाइंस पर बांटने की कोशिश करेंगे, इनके पास अब कोई रास्ता नहीं है।